Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you very much. चलो जी शुरू करो। आंसर सबसे पहला सवाल, ये जो आज का जो ये मीटिंग है या मीटिंग है, किस सिलसिले में, इसका मुद्दा, इसका उद्देश्य क्या है? यार मैं तो जब यहाँ आया, मेरे को इस बात की बहुत खुशी है यार, बचपन में आपको आपकी माँ बोलती थी कि तू सबसे खूबसूरत बच्चा है, तो बड़े होने के बाद पता चला कि एक्चुअली नहीं है, सबसे खूबसूरत तो नहीं है। फिर इसके बाद अब मेरी एसोसिएशन ने ये जो पोस्टर लगा के और ये इनिशिएटिव लिया कि एक डायरेक्टर को एक इम्पोर्टेंस देनी, और ये वाली जो एक बातचीत दो डायरेक्टर्स के बीच में, और आपको स्टूडेंट सुन रहे हैं, ये मुझे पर्सनली बहुत बहुत एक्साइट किया, और मेरे को बहुत अच्छा लगा कि एक डायरेक्टर एसोसिएशन ये एक स्टेप ले रही है, और यंग फिल्म मेकर्स, नए लड़के, आप नए मेकर्स, नई लड़कियां आपको सुनेंगे, आपसे अगर कुछ भी सीख पाएँ आपके थोड़े से एक्सपीरियंस से, एंड ऑफ द डे आप इस इंडस्ट्री के हिस्से हैं और आपको कंट्रीब्यूट करना चाहिए, और मैं वो कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, विच आई फील वेरी प्राउड एंड आई एम वेरी हैप्पी कि ये मौका मिला मुझे इस इनिशिएटिव से, जहाँ मीट द डायरेक्टर करके जो शुरू किया, एंड आई लव टू बी पार्ट ऑफ इट अगेन एंड अगेन। आनंद जी, कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं इन सब चीज़ों को, जब क्योंकि फिल्म जो फिल्म का अब चलन हुआ है, पहले जिस तरह से लिखी जाती थी वो ट्रेंड बदला है, अब लोग ज़्यादा जैसे कॉरपोरेट अगर इसमें दखल दे रहा है तो अब उनको एक सॉलिड स्क्रिप्ट चाहिए, अच्छी चीज़ें चाहिए, वो कितना इम्पोर्टेंट है? नहीं देखिए, जब आप एक फिल्म बनाने निकलते हैं तो अब वाला टाइम और धीरे धीरे ये इम्प्रूव भी होता जा रहा है कि यार एक फिल्म बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कहानी, और मैं इसमें बिलीव करता हूँ कि एक डायरेक्टर जो है बेसिकली एक स्टोरी टेलर है, और अब धीरे धीरे वो चाहे डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, एक स्टूडियो हो, राइटर हो या एक्टर्स हों, हम सब सिंक में आ रहे हैं, हमें ये समझ में आ गया है कि ऑडियंस के लिए कहानी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है और उसको सुनाने का एक तरीका होना चाहिए, और वी हैव स्टार्टेड रिस्पेक्टिंग ऑडियंस मोर देन व्हाट वी यूज्ड टू डू बिफोर। मुझे नहीं लगता ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, एक डायरेक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसकी कहानी उसकी ऑडियंस तक पहुँचे, उसका चेहरा पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा है वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, अगर आपकी कहानी समझ में आ रही है, ऑडियंस आपकी कहानी अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसको सक्सेसफुल बना रहे हैं, उससे बड़ा डायरेक्टर के लिए और कुछ नहीं होता, उसका चेहरा इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना उसकी कहानी। अरे बिल्कुल भाई, नहीं जाने, इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट ये है कि कहानी पहुंची कि नहीं पहुंची, ऑडियंस ने जो अपने 300 रुपए खर्चे उन्होंने एंजॉय किए कि नहीं किए, उसकी वर्थ मिली कि नहीं मिली, अगर वो वर्थ मिली है मतलब एक डायरेक्टर सक्सेसफुल है, उससे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। बाकी हाँ, अगर एक्टर को वो तारीफ मिलती है क्योंकि वो डिज़र्व करता है, उन्होंने भी मेहनत की है, और एंड ऑफ द डे किसी न किसी तरीके से एक्टर्स आर रिलेटेड टू दिस ग्लैमर वर्ल्ड, उनके लिए वो इम्पोर्टेंट है, डायरेक्टर के लिए उसकी कहानी। हाँ, मैं अभी कहानी पे काम कर रहा हूँ, मुझे उस पर थोड़ा वक्त लगेगा, और जैसा कि मैंने बोला कि मैं थोड़ा सा सुस्त डायरेक्टर हूँ, मेरे को थोड़ा ज़्यादा वक्त लगता है, सो मैं कहानी पे काम कर रहा हूँ, मुझे कुछ महीने दीजिए, मैं फिर आपको बता पाऊँगा कि कैसे और कब हो रही है। मैं कहानी पूरी कर रहा हूँ, मैं उसी के बाद बात कर पाऊंगा। चलिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सामने कैमरा में देखो, कैमरा लो, कैमरा में आपको देखो, मुबारक, कैसे हैं आप? अरे सर, ये तो बहुत पीछे है, एक सेकंड रुको।
निकलते हैं। सर सामने उदित सर सर स्ट्रेट ये सर सर जी हां सर ये स्ट्रेट सर वन मोर ईयर सर सामने सर सर स्ट्रेट सर उदित सर चलो चलो डन ओके थैंक यू काम कर रहा है। लोग कहाँ रखो यार। चलो एक बातचीत है, डायरेक्टर का एक आदर है जो एक मुकाम तक पहुंच चुका है, तो उसकी बातचीत से यंगर लोगों को कुछ फ़ायदा हो, जिस तरह से वो मीडियम को समझा है लोगों को समझने में बेहतर हो, आप काम सीख सकते हैं उन्हीं लोगों से जो काम जानते हैं, तो उनसे अगर आप बात करें तो एक उनका एक तजुर्बा आपके काम आता है, और एक फेलो फिल्म मेकर अगर बात करें उनसे तो फिर वो एकेडमिक सवाल नहीं होते बल्कि प्रैक्टिकल होते हैं, और वो उसका तरीका तौर तरीका सिनेमा का क्या है, और एक ईज़ भी होता है साथ में बैठ के हम बात करते हैं, तो मैं बहुत कुछ ऐसे पूछ सकता हूँ जो एक अगर सिर्फ महज जर्नलिस्ट पूछेगा तो थोड़ा सा आदमी संभल सा जाएगा कि क्यों पूछ रहा है, तो एक क्योंकि एक बिरादराना एक दोस्ती है तो वो बहुत उसमें फ़ायदा होता है उस बातचीत में, और एक तरीका है हम आपस में एक डायरेक्टर एसोसिएशन में एक दूसरे से मिलें, आइडियाज़ एक्सचेंज करें, प्रॉब्लम्स जो कॉमन हैं उनको कॉमनली एड्रेस करें, साथ साथ मिल के एड्रेस करें, क्योंकि आफ्टर ऑल क्रिएटिव इश्यूज़ तो हैं, चाहे वो प्रोडक्शन के हों, चाहे वो मार्केटिंग के हों, चाहे वो सेंसरशिप के हों, चाहे सिर्फ अपने खुद के दिमाग को खोलने की में मदद मिले आपस में मिल के वो हो, इट्स ब्रिलियंट आई थिंक, आई मीन इट्स अमेजिंग इनिशिएटिव। नहीं वो हमेशा अगर आप डायरेक्टर जैसे आनंद कह रहा था अगर ज़िद्दी ना हो थोड़ा तो हमेशा दखल आएगा, वो कहीं ना कहीं से आ जाएगा, वो अड़ियल होना पड़ता है बिकॉज हम हर बार करना पड़ता है, हमेशा करना पड़ता है और आपको अड़ियल होना पड़ता है, ये नहीं है कि आप किसी की कभी ना सुने, ये भी एक थोड़ा हद दर्जे का अड़ियलपना है, बट ज़्यादातर आप क्यों फिल्म बनाना चाहते थे वो इनिशियल जो आपका इम्पल्स क्या था उसे आप ध्यान में रखें, और अगर आप उसे छोड़ देंगे तो ना कॉर्पोरेट की फिल्म बनेगी ना आपकी बनेगी, वो कुछ बीच में रह जाएगी। वो सर आपके देवदास स्क्रिप्ट पे भी काम कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ बताएं क्या चल रहा है? वो फिल्म बन रही है, उसका टाइटल भी बदला है, तो अभी कुछ दिन में वो अनाउंस होगा, वो फिल्म फरवरी में रिलीज होगी। तो आपने कुछ एक्सपेरिमेंट किया? वो अलग है, वो देवदास का कुछ उल्टा है, वो तीन पात्रों को लेके कुछ मैंने अलग ही किया उनके साथ, तो इसलिए थोड़ा सा नाम भी बदलेगा जब फिल्म बन के देखी जाएगी, और जब मैंने देखी फिल्म तो मुझे लगा कि वो टाइटल थोड़ा सा गलत है, उससे एक्सपेक्टेशन गलत होगी, तो मैं उस टाइटल को भी बदलूंगा और फरवरी में रिलीज करूंगा। सवाल, उसमें स्टार कास्ट कौन-कौन से आपको? उसमें ऋचा चड्ढा है, अदिति राव हैदरी है, राहुल भट्ट है जो अगली में था अनुराग कश्यप के, सौरभ शुक्ला है, विनीत सिंह है, विपिन शर्मा है, बहुत सारे लोग। धन्यवाद।